हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे द इट्स बिट्सी मॉम। तो कैसे हैं आप लोग? और आज का जो हमारा DIY वीडियो है वो बहुत ही खास और यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बनाएंगे एक यूनिक सा फ्रिज मैग्नेट। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक MDF कटआउट जो चॉपिंग बोर्ड शेप का है। देन मैंने जो थिक वाले आइसक्रीम स्टिक होते हैं उन्हें ले लिया और इस चॉपिंग बोर्ड के साइज में कट कर मैं इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इसे फिक्स कर दूंगी एज ए सेल्फ और फिर इसे मैं सूखने के लिए रख दूंगी। जब तक ये हमारा सूखता है तब तक हम बाकी सारे काम कर लेते हैं। ऐसे मैं तो जा रही हूँ चाय पीने के लिए, आप भी एक कप चाय पी लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको छोड़िएगा मत। अब देखिए हमारा सेल्फ तो रेडी हो गया और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्सचर ऐड करूँ। तो इसके लिए मैंने ब्रिक वाला स्टेंसिल लिया है और मैंने एक स्कल्पचर पेस्ट बनाया जिसे मैंने वाइट सिम वॉल पुट्टी फेविकॉल और पानी की मदद से बनाया और उससे मैं ये ब्रिक वाला टेक्सचर ऐड कर रही हूँ मेरे चॉपिंग बोर्ड पर, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसे भी मैं अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दूँगी। अब जब हमारा टेक्सचर पेस्ट सूख गया ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल्फ होने की बजाय एक अगर कबर्ड टाइप का होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसलिए मैं इस सेल्फ को थोड़ा सा कबर्ड वाला लुक देने के लिए और भी पॉप्सिकल स्टिक को सामने और दोनों साइड में और पीछे की तरफ ऐड करूँगी, तो ये मेरा एक सेल्फ टाइप का लुक देगा। और अब मैं पेंट करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो टेक्सचर दिया है चॉपिंग बोर्ड को उसको मैं पेंट कर रही हूँ। मैंने बहुत ही लाइट शेड यूज़ किया है क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी यूज़ करूँगी। आप अपने चॉइस ऑफ कलर में इसे पेंट कर सकते हैं। देन मैंने जो हमारा सेल्फ बनाया है उसको भी पेंट कर दिया और फिर उसको थोड़ा अच्छा सा एक कलर में पेंट करने के बाद अब उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी स्टेंसिल की मदद से। स्टेंसिल की मदद से आप जब काम करते हो ना तो आपका वर्क बहुत ही फिनिशिंग अच्छा आता है और काफ़ी आसानी से बन जाता है। अगर मैं खाली ब्रश से ऐसे बनाने जाऊँ तो मुझे टाइम भी लगेगा और उतना अच्छा फिनिशिंग भी अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसलिए स्टेंसिल यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने सेल्फ पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए ये स्टेंसिल यूज़ किया है और इसकी मदद से मैं एक प्यारा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना क्यूट सा डिज़ाइन बन गया हमारे सेल्फ पर, एकदम एथनिक लुक वाला। और मैंने कहा था ना मैंने ब्रिक वॉल पे थोड़ा सा हाईलाइट भी यूज़ करूँगी, तो मैंने थोड़ा सा मेटलिक कलर लिया अपने उंगलियों पे और उससे उस ब्रिक वॉल को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। जब तक ये सेल्फ सूख रहा था या कुछ तो मैंने छोटे छोटे कुछ ऑर्नामेंट्स भी बना लिए जिनको मैं इस सेल्फ पर डेकोरेट करूँगी। जैसे कि ये एक छोटा सा मैंने फ्रेम बनाया है। अब मैं इसे, ये सूख गया है, अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ। इसे पहले मैं ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट करूँगी फिर उस पर मैं गोल्डन मेटेलिक कलर दूँगी ताकि एक अच्छा सा मेटेलिक फ्रेम वाला लुक आए। और उसके पीछे मैं एक क्यूट सा कोट लिखूँगी, देखिए अच्छा लगता है, थोड़ा पॉजिटिव कोई एक कोट लिखूंगी ताकि ये ऐसा रहेगा कि वॉल पे एक वॉल फ्रेम भी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इस फ्रेम को मेटलिक कलर से फ्रेम कर दिया और ये कोट को भी इसके साथ मैंने फिक्स कर दिया और हमारा ये वॉल फ्रेम बनकर रेडी हो गया। अब बाकी के सारे चीज़ें भी हम रेडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने छोटे छोटे दो बर्ड्स बनाए हैं उनको भी मेटलिक लुक दूंगी।
ये सब चीज़ों को मैं मोल्डेड क्ले से ही बनाई हूँ, बहुत ही छोटे छोटे, जो भी आपको ऐसा है कि मुझे वो सेल्फ डेकोर करना है तो सेल्फ के ऊपर आपको जो अच्छा लगता है आप वास बनाइए, बुक्स बनाइए, फोटो फ्रेम्स बनाइए, बर्ड्स बनाइए, फिगरिंस बनाइए, आपको जो अच्छा लगे आप उस रख सकते हैं। तो मैंने ये बर्ड्स बनाए हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ बुक्स भी बनाए हैं, एक फ्लावर पॉट भी बनाया है, ये देखिए मैंने दो बुक्स भी बनाए हैं, अब मैं उनको भी पेंट कर रही हूँ। अब हमारा सब चीज़ बनकर रेडी हो गया, अब बस हमें सब चीज़ इस सेल्फ पर अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले मैं ये फ्लावर वास को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसमें जो फ्लावर्स हैं इनको मैंने फोम क्ले से बनाया है, और फिर मैं ये छोटे छोटे दोनों बर्ड्स को अरेंज कर रही हूँ, फिर बुक्स को भी अरेंज करूँगी। ये देखिए अब ये दोनों बुक्स को भी मैं अरेंज कर दे रही हूँ कि मेरे सेल्फ पर ये दोनों बुक भी रखे हुए हैं। तो ये इतना सब अरेंज होने के बाद अब बारी आती है जो हमारा फ्रेम है उसको अरेंज करने के लिए। उसको मैं दीवार पे ही अरेंज कर रही हूँ इस तरह से। अब ऐसे तो मेरा ये काफ़ी अच्छा बन रहा है, बन गया है, बट मुझे थोड़ा सा और कुछ ऐड करना है। तो मैंने एक छोटा सा पेपर से कट आउट करके एक घड़ी बनाया है, उसको भी मैं वॉल पे लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा सेल्फ डेकोर बनकर रेडी हो गया, और ये हमारा फ्रिज मैग्नेट भी बन गया है, बनकर रेडी हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूट थ्रेड उसके हैंडल में बना दूंगी ताकि वो थोड़ा सा लास्ट का फिनिशिंग टच आ जाए। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल वे में एक यूनिक सा फ्रिज मैग्नेट बनाकर रेडी कर लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फ्रिज मैग्नेट? मुझे तो इसे बनाने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्यूट क्यूट चीज़ें हैं इसमें, तो डिटेल्स है, तो अच्छा लग रहा था बना। ऐसे ही कुछ नए नए आइडियाज़ के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।